वेल, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, इन टुडेज वीडियो मैं आपको इंडिया की टॉप 5 बेस्ट बाइसिकल्स बताने वाला हूँ जो कि अंडर 10,000 रुपीज में आ जाती है। अब आपकी नीड कुछ भी हो, लाइक गियर वाली, नॉन गियर, एनीथिंग, हर तरह की बाइसिकल्स आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड की है। एंड 10,000 रुपीज के बजट पे जो साइकिल लेना चाहता है ना, ये 5 ऑप्शन दी बेस्ट है। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आपको सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी साइकिल के साथ जाना है, साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरली आपको पता ही होगा साइकिल्स जो है दो तरह की आपको देखने को मिलती है, जहां एक होती है गियर्स, सेकंड वन इज नॉन गियर। तो देखो, अगर आप पहली बार कोई साइकिल ले रहे हो, मैं आपको एक मोटा मोटा कंपैरिजन बता दूं दोनों साइकिल्स में। लाइक कुछ गलत मिथ्स बने हुए लोगों के दिमाग में, जैसे कि आप गियर की साइकिल अगर चलाओगे तो आप उसको थोड़ा फास्ट चला सकते हो, नॉन गियर वाली आप ज्यादा फास्ट नहीं चला सकते, इस तरह के। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो मेजर डिफरेंस है ना दोनों साइकिल्स में, वो एक तो फ्लैट सर्फेस का है। लाइक आप सीधी रोड पे कोई साइकिल चलाते हो और आप नॉन गियर चलाते हो, तो आप बिना किसी दिक्कत के उसको इजीली चला सकते हो। बट जब आप साइकिल को किसी चढ़ाई पे चढ़ाते हो, माउंटेन पे चढ़ाते हो, या फिर कोई भी ओवरब्रिज वगैरह कहीं भी चढ़ाते हो ना, तो वहां आपको काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, एंड उसके बाद भी वो चढ़ती नहीं है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको गियर वाली साइकिल में मिल जाता है। लाइक जैसे ही आप गियर्स वगैरह को चेंज करके लोएस्ट गियर पे ले आते हो, तो आप ऊंची चढ़ाई को कम फोर्स लगा के इजीली चढ़ सकते हो, बट हां साइकिल धीरे चढ़ती है। एंड उसके अलावा कुछ अलग अलग फायदे भी हैं। लाइक आपको फैट बर्निंग करनी है तो आप गियर वाली साइकिल में इजीली फैट बर्न कर सकते हो। एक्सरसाइज पर्पस से चाहते हो, गियर वाली साइकिल काफी अच्छी है। बाकी इसके अलावा कुछ मेजर पॉइंट्स को ध्यान रखना। लाइक आप 2021 में कोई गियर वाली साइकिल ले रहे हो ना, सबसे पहले तो जो गियर शिफ्टर्स है ना, घुमाने वाले बिल्कुल मत लेना, काफी पुराना ट्रेंड हो चुका है। एंड उसके अलावा मेक श्योर कि गियर्स आप शिमानो कंपनी की तरफ से ही लो, क्योंकि आई पर्सनली यूज्ड दिस वन एंड शिमानो के जो गियर्स है ना, वो आपसे बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगते हैं। ये तो हो गई कुछ मोटी मोटी बातें। इसके अलावा कुछ और डिफेक्ट्स में जाऊं ना, तो देखो पर्सनली मैंने गियर वाली एंड नॉन गियर वाली दोनों ही साइकिल्स चलाई हैं, एंड दोनों से मेरे को अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। लाइक गियर वाली में मेरे को मेंटेनेंस काफी ज्यादा लगा है कंपेयरिंग टू नॉन गियर साइकिल। वहां आपको केवल हवा भरवानी पड़ती है, कभी कभी ब्रेक वगैरह टाइट कराने पड़ते हैं, या फिर कोई पार्ट वार्ट टूट जाता है वो चेंज कराना पड़ता है। बट गियर वाली साइकिल में मेंटेनेंस काफी ज्यादा लगता है। बाकी तो गाइस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो बताता रहूंगा। बाकी लिस्ट को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको गियर वाली साइकिल्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आती है नंबर 1 पे, जो कि आपको हीरो स्प्रिंट ग्रॉलर मिल जाती है। देखो ये जो साइकिल है ना, इसका सेम एक मॉडल आता था पहले हीरो स्प्रिंट थॉर्न के नाम से, जो कि काफी बेस्ट था। मैंने पर्सनली उसको यूज किया है, चलाया है, एंड अभी भी चलाता हूँ। ये वाली भी सेम उसी की जैसी है, एंड स्लाइटली उससे थोड़ी सस्ती भी आ जाती है। साइकिल के लुक्स की सबसे पहले बात करूं तो सेम एज माउंटेन बाइक जैसा लुक दिया हुआ है इसको। साइकिल का साइज 26T आता है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है। आप रोड पे जितनी भी साइकिल्स देखते हो ना चलते हुए, ज्यादातर उनमें से 26 इंचेस की होती है। 18 इंच का इसका फ्रेम आता है। बोथ साइड आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, आगे के टायर में भी एंड पीछे के टायर में भी। बाकी हीरो काफी पुरानी कंपनी है साइकिल्स के मामले में, तो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। मैक्सिमम जो यूजर वेट है ना, 100 किलो तक का ये झेल सकती है। एंड 26 इंचेस वाली जो साइकिल्स होती है, लगभग 5.5 फीट से लेके 6 फीट तक के लोग उनको इजिली चला सकते हैं। बाकी जो गियर्स यूज हुए ना इसमें, वो 21 स्पीड पे चल जाते हैं। मडगार्ड वगैरह सब इसमें आपको मिलेगा। जो गियर मिलता है वो शिमानो का मिलता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको शिमानो गियर्स के साथ जाना है। बोथ साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा, मडगार्ड वगैरह सभी इस तरह की एसेसरीज मिल जाती है। प्राइस की बात करूं तो हीरो की तरफ से ये साइकिल आपको 11,000 रुपए में ऑनलाइन मिल जाएगी अमेज़न पे, एंड इसके कुछ मॉडल्स आपको सस्ते मिल जाते हैं 10-1,000 में। आप अमेज़न पे जाके चेक कर लेना, ऑफलाइन मार्केट में भी आप ट्राई कर सकते हो। बट जो पर्टिकुलर मॉडल्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऑफलाइन मार्केट में आपको शायद ही मिले, हो सकता है दूसरे मॉडल्स आपको मिल जाएं, बाकी आप चेक कर लेना। गाइस अगली जो साइकिल है ना, ये आपको लीडर ग्लेडिएटर की तरफ से मिलती है। अब गाइस आप लोग सोचोगे यार ये कौन सा ब्रांड है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस काफी अच्छा बेहतर ब्रांड है। मेरे काफी दोस्तों के पास इस ब्रांड की साइकिल है, एंड वो अभी चलाते हैं, काफी खुश है। लीडर ग्लेडिएटर की तरफ से ये जो साइकिल है 21 इंचेस के फ्रेम के साथ आती है। लाइक जितनी साइकिल्स मैंने सेलेक्ट की है लगभग 18 इंच के साथ आती है, बट इसका जो फ्रेम है वो काफी बड़ा है उन साइकिल से। इसमें आपको आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे की तरफ पावर ब्रेक मिलता है, बट पीछे की तरफ आप डिस्क ब्रेक लगवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जो प्लस पॉइंट है ना इस साइकिल में, वो इसका फ्रेम है। फ्रेम की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, एंड जो गियर्स हैं वो भी 21 स्पीड के आते हैं एंड शिमानो की तरफ से आते हैं। बाकी जो टायर है वो वही 26 इंचेस का आता है। हैंडल 10 डिग्री ट्विल्ट आता है आगे की तरफ, जो कि मेरी नजर में दी बेस्ट ऑप्शन है। अब जो महंगी साइकिल्स होती है ना 10,000 के आसपास जो भी आती है, इनको लेने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? पहली चीज तो इनका मेंटेनेंस आपको काफी कम देना पड़ता है, काफी टाइम तक। देखो चलाने के ऊपर है, अगर आप 2-3 लोग चलाते हो अलग अलग तो साइकिल ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज खराब हो जाएगी, बट आप सिंगल हैंड रखते हो एंड उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करते हो, तो ये साइकिल्स आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती, एंड
आपको एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है। इस साइकिल में आपको रिफ्लेक्टर वगैरह सब मिलेंगे, एक वाटर बोटल फ्री मिलेगी, बोटल गार्ड है इसमें, एंड साइड स्टैंड वगैरह सब कुछ है। एंड जो सस्पेंशन है ना आगे का, उस पे इन्होंने ब्रांडिंग दे दी है लीडर की, बट वो लीडर का नहीं आता, किसी चाइनीज कंपनी से उठाया हुआ है। बट ऐसी कोई इसमें दिक्कत लगी नहीं मेरे को। अगर आप 10 साल से ऊपर के हो आप इजीली चला सकते हो। 5 फीट से लेके 6 फीट हाइट वालों के लिए कंफर्टेबल है। प्राइस का अराउंड 11,500 के आसपास रहता है ऑनलाइन, कई बार 10,000 के अंडर में मिल जाती है। सो दैट मैंने लिस्ट में कवर कर ली। चीपेस्ट 21 गियर्स की अगर आप साइकिल देख रहे हो ना, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको दो बताई है ना अभी, इन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, दोनों आपको अच्छी वैल्यूज देंगी। अभी गाइस आ जाती है नॉन गियर वाली साइकिल्स, जहाँ नंबर 3 पे आती है क्रॉस एक्सीड। ये जो साइकिल है ना 27.5 इंचेस के व्हील साइज के साथ आती है, जो कि जनरली 26 इंचेस से थोड़ा बड़ा साइज है। 18 इंच का ही आपको फ्रेम मिलता है। लुक वाइज अगर आप इस साइकिल को देखोगे ना, तो क्रॉस की ये साइकिल काफी क्लियर लुक में आती है। ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेम भी थोड़ा अट्रैक्टिव सा आता है। बाकी तो नॉन गियर है, ज्यादा कुछ बताने को इसमें है नहीं। आपको डुअल डिस्क ऑप्शन मिल ही जाएगा। जो ब्रेक्स हैं वो एल्यूमिनियम बिल्ड में, मडगार्ड वगैरह सब मिल ही जाता है। बोटल गार्ड शायद आपको इसके साथ नहीं मिलता, तो वो आप अलग से खरीद के लगा सकते हो। प्राइस इस साइकिल का आपको 9,500 रुपीज मिलता है। देखो अभी जो सीन है ना अमेजोन का, प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट एज माई रिसर्च जो मैं आपको प्राइस दे रहा हूँ, ये एक ऐसा प्राइस है जो आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह लगभग सेम मिलेगा। बाकी तो जिनको लुक वाइज एंड ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी वाइज भी थोड़ी अच्छी साइकिल चाहिए, क्रॉस की तरफ से ये वाली भी देख सकते हो। नाउ गाइस नंबर 4, हर्कुलस हिस्टर 27.5T। ये भी सेम एज क्रॉस वाली साइज में आ जाती है, जहां आपको 17-18 इंचेस का फ्रेम मिलता है एंड 27.5 इंचेस के टायर साइज मिलती है। बट प्लस पॉइंट पता है क्या है इस वाली साइकिल का, इसमें आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। जहां हर्कुलस काफी पुराना ब्रांड है साइकिल्स में, लाइक हीरो, तो आपको 1 ईयर वारंटी मिल जाएगी साइकिल पे, जहां केवल आपको फ्रेम पे वारंटी मिलती है, बाकी और जो पार्ट्स वगैरह है उन पे 3 या 6 महीनों की मिलती है, और 3 या फिर 6 महीनों में ये खराब भी नहीं होते। डुअल डिस्क ऑप्शन है ही। जो सस्पेंशन यूज किए वो भी हर्कुलस की तरफ से आते हैं आगे के, एंड एक नॉन गियर साइकिल है बट एक प्रीमियम नॉन गियर साइकिल है। एंड हाँ, जो भी साइकिल्स बता रहा हूँ सभी में आपको क्विक रिलीज का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अगर आपको सीट ऊंची या नीची करनी है, ऑन टाइम आप जस्ट क्लिप को खोल के ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड लगभग सभी साइकिल्स आपको फ्रंट रिफ्लेक्टर वगैरह एंड बैक रिफ्लेक्टर दे देती है। मडगार्ड तो सभी में मिलता है, साइड स्टैंड वगैरह भी आ जाता है। बट हाँ, एक दिक्कत रहती है ऑनलाइन साइकिल लेने में, दैट इज की असेंबल आपको या तो खुद करनी पड़ेगी या फिर किसी को आसपास से बुलाना पड़ेगा जो असेंबल कर दे। प्राइस की बात करूं तो हर्कुलस की तरफ से ये साइकिल आपको 9,300 रुपीज में मिल जाती है। दो अलग अलग कलर्स में आती है, मेरे को पर्सनली ब्लैक एंड रेड वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगा। नाउ गाइज द लास्ट वन इज फ्रॉम क्रेडियक ब्रांड। अब देखो ब्रांड ये भले ही आपने ना सुना हो, बट यार ट्रस्ट मी, ये जो साइकिल है ना हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, लाइक 5.5 फुट से भी ज्यादा है, 5 फुट 8 इंच 10 इंच, वही लोग इसके साथ जाना। एक तो ये माउंटेन बाइक है, बाकी साइकिल्स के मुकाबले इसके जो टायर्स हैं वो थोड़े बहुत अच्छे आते हैं बिल्ड क्वालिटी में। 29 इंचेस का साइज है उन टायर्स का, एंड इसका जो फ्रेम है वो 18 इंचेस का ही आता है। लुक वाइज मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी ये साइकिल, एंड मैं आपको ये जो साइकिल बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बता रहा, काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही बता रहा हूँ। बट हाँ, अगर ब्रांड आपके लिए कोई इशू है तो आप बाकी साइकिल्स देख सकते हो। क्रॉस का भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, एंड हीरो स्प्रिंट तो अभी भी मेरे पास है। बाकी हर्कुलस हिस्टर है, वो अगर आप नॉन गियर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। गियर वाली जो दो मैंने बताई उन्हीं को लेना, उनके अलावा बिल्कुल यार किसी साइकिल के साथ मत जाना। क्योंकि देखो 11,000-12,000-15,000 में जितनी भी साइकिल्स आ रहे हैं ना, कईयों में आपको शिमानो के कॉपी वाले गियर्स चिपकाए जा रहे हैं, बिकॉज जो ओरिजिनल गियर्स हैं उनकी सप्लाई कम हो गई है। बट जो दो मैंने आपको बताई हैं साइकिल्स, ये आपको डायरेक्ट ब्रांड की तरफ से मिलती हैं, तो वहाँ आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। बाकी तो गाइस बस आज की इस वीडियो में इतना ही। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, एंड नीचे कमेंट्स में मेरे को इतना जरूर बता दो कि इनमें से आप कौन सी साइकिल लेने वाले हो या कौन सी ऑलरेडी ले चुके हो। बाकी तो बस मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।